अरे कोई है क्या इधर? मैं बालकृष्ण गोखले बोल रहा हूँ, मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ, तो जरा कोई लिफ्ट खोलो। मैं भारती गोखले। अन्ना मेरा भी नाम लीजिए ना। उसकी आवश्यकता नहीं है, अभी मुझे निकालने के लिए कोई लिफ्ट खोलेगा तो साथ में तू भी फ्री में निकल जाना सुमड़ी में। तो फिर सिर्फ मेरा नाम लीजिए ना। अरे मैं क्या ऐसा बोलूं कि भाई 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 मैं भारती बोल रही हूँ, मुझे कोई लिफ्ट में से बाहर निकालो। दुस्की बराबर, लेकिन हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, वरना महेंद्र बाबू हमारी दुकान बेचकर निकल जाएंगे। बहुत बड़ा धोखा दिया है महेंद्र भाव ने मुझे, बहुत डर लग रहा है भारती। अरे हाँ, एक दिन महेंद्र भाव ने कुछ कागजात पे मेरे हस्ताक्षर तो करवाए थे। महेंद्र भाव, मैंने अभी आँख में दवाई डाली है ना, तो अभी मैं पढ़ नहीं सकता। तो आप एक काम कीजिए, आप ये कागज बिगज यहाँ पे रख के जाइए, मैं बाद में पढ़ के आराम से हस्ताक्षर निबिस्ताक्षर करूंगा, ठीक है? अन्ना भाई ये हॉस्पिटल के कागजात हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, अगर आप साइन कर देंगे तो मैं जाकर सेटल कर। अरे लेकिन ऐसे बिना देखे कैसे मैं हस्ताक्षर कर दूं? अब गुजरातियों का क्या भरोसा हा? ऐसे किसी और कागज पे हस्ताक्षर करवा लिए मेरे तो। अन्ना भाई आपका राम, आपका अभिषेक भी अभी गुजराती हो गया, तो ये बार बार गुजराती गुजराती बोल के गुजरातियों पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए अभी। गुजराती हो गया तो क्या हो गया अभिषेक, क्या हो गया वो गुजराती हो गया? अभिषेक की याद आ गई। अरे प्रभक अन्न, चल अभिषेक की आवाज निकाल। मेरा गला बैठ गया है ना। अरे अभी तू जो बोला मेरी आवाज बैठ गई अन्ना, वो तो साफ साफ बोला तू। अभी बैठ गया अन्ना। अभी बैठ गया गंज क्या? अन्ना भाई, अन्ना भाई, अरे अभिषेक की आवाज बाद में सुन लेना, पहले इन डॉक्यूमेंट पे साइन तो कर दीजिए। अन्ना भाई एक तो मैं आपका काम कर रहा हूँ, इनफेक्ट आपको तो बाकी सारे काम छोड़ के सबसे पहले ये काम करना चाहिए। आप हैं कि बस अभी प्रभाकर अन्न जरा पढ़ तो। राइनोसोरस की नाक लंबी होती है पर होता है वो सींग। मूंगफली को पीनट्स बोलते हैं पर होता है वो सींग। तो राइनोसोरस की नाक मूंगफली एक हुए, शॉर्ट सर्किट का स्पार्क पतली गली एक हुए। अरे प्रभाकर दूध क्या, ये काशी थप्पड़ फेंक के मारने का कोई उपाय होता? थप्पड़ मार सकता हूँ। पढ़ने को बोला तो तेरा वाहियत, गाना पढ़ने को नहीं बोला। ये महेंद्र भाऊ जो कागजात लाया है ना वो पढ़ने को बोला। विंडो शांत शांत हो जाइए अन्ना भाई। मैं शांत ही हूँ। हाँ प्रभाकर ये पढ़ के सुना अन्ना भाई को। ये हॉस्पिटल के ही कागज है। अब तो हो गया आपको यकीन? ठीक है ठीक है, ये लीजिए अन्ना भाई, कर दीजिए साइन। ये यहाँ यहाँ हाँ कर दीजिए। अब बस हो गया हो गया हो गया। भाई शुक्र नक्की नक्की वो दुकान के कागजात ही होंगे भारत परमेश्वर। और अभी वो महेंद्र भाव है ना, वो दलपत बिलपत के पास उसी दुकान की रजिस्ट्री बिजिस्ट्री करवाने आए होंगे। भाई 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 मतलब आपके छोटे बहू ने यानी के महेंद्र बहू ने आपके पीठ में छुरा भोंक दिया? अब अभी देखो अभी नहीं पूछना है तो भी पूछना पड़ रहा है। पीठ में छुरा मार दिया कैसा रहे थे कैसे? अन्ना अब थाली पीठ खाते है ना, हाँ तो पीठ में छुरा मार दिया में से सिर्फ पीठ का इशारा था। अब इशारे बिशारे छोड़ और यहाँ से बाहर निकलने के बारे में कुछ सोच। भाई 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 अब सोचने से क्या फायदा है ना, लगता है हम यहाँ अनारकली बनेंगे। अभी अनारकली से बाहर नहीं आएगी, पात्र नहीं ही बदलेगी, ठीक है? तो तू बन अनारकली और मैं बनूंगा अनारकला। भाव मैं बहुत उदास हूँ, मेरा एक गाना सुन लीजिए ना। ए, दुकान से बाहर निकलो। ठीक है बाहर आके सुनाता हूँ। कुत्ता पूंछ हिलाता है
क्योंकि खानी होती है उससे रोटी। सेठ पैसे कमाता है क्योंकि खानी होती है उससे रोटी। तो कुत्ते का पूंछ हिलाना, सेठ का पैसे कमाना एक हुए, बोतल का ढक्कन और चने चबाना एक हुए। देखिए भाई साहब, आप अपना गाना बंद कीजिए और दुकान की चाबी मुझे दीजिए, क्योंकि ये दुकान मैं खरीद चुका हूं। सुन रहे हैं सब लोग, ये गोखले बंधु की पुश्तैनी दुकान मैंने खरीद ली है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये दुकान हमारी है। कौन है आप? ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकता है? केशव काका, अभिषेक काका, जल्दी आइए। हेलो हेलो जाड़ा, सब वाकर थे तब, आप बाहर क्यों खड़े? इन्होंने बोला कि इन्होंने हमारी दुकान खरीद ली है। तो प्रभाकर दादा, इसमें इतना उदास होके क्या बोल रहे हो? लेकिन हंसो, खुशियां मनाओ, अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। ये मेरे अन्ना की दुकान है, मैं प्राण दे दूंगा किंतु इसके भीतर किसी को घुसने नहीं दूंगा। नहीं घुसने देंगे। कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी आकृति। आकृति नहीं, निर्मिति। हाँ भैया, आकृतियों के निर्मिति दोनों सेम ही होता है। सुंदर तो लग रही है ना ऐसे फटे पुराने कपड़ों में। हाँ तो फिर अभी हम दोनों के साथ मैचिंग हो गई ना तू? देखिए उर्मिला वहिनी, मैं आप पे भरोसा करके आपके साथ जा तो रही हूँ, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया तो। तो क्या कर लेगी तू? हाँ कर रहे हैं हम लोग गलत काम। नहीं गलत नहीं, गलत नहीं, थोड़ा बहुत गलत कर रहे। नहीं थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा गलत कर रहे। नहीं मीन्स के देखा जाए तो ये काम गलत है ही नहीं, हम लोग सिर्फ चोर पे मोर खेल रहे। देख बाला, गलत सही मुझे पता नहीं, लेकिन हम ये जो सब कर रहे हैं ना। ओ प्रवचन चैनल, प्रवचन अभी बाद में दो ना, और शायद बाद में देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी प्रवचन, क्योंकि ये अभी चलकर अपनी आंखों से ही देख लेगी ना सब कुछ। अभी जल्दी चलो, वहाँ पे बोली शुरू होने का वक्त हो गया है। हाँ, बोली? अभी तू फिर से क्यों बोली? देख बेन, तेरे अंदर ये जो जिज्ञासु कीड़ा बार बार तुझे काट रहा है ना, उसको 100 ग्राम मार दे तू, ठीक है? वो अपना वो फटपटी नहीं, अपना तीन पहिया, अरे क्या बोलते इसको, रिक्शा। अरे नहीं नहीं, रिक्शा तो वो जिसको आपने सब्जी बेची थी। अरे बोला ना मैंने, वो रक्षा, ये रिक्शा, ए रिक्शा, ये अभिषेक पापा को फोन मिला कर देखो। अरे क्या फोन मिला के देखो गायत्री, सब मिले हुए हैं, बोला ना अभी क्या मिला के देखो। नहीं मुझे पापा के मुंह से ये बात सुननी है। तुम पापा को फोन मिलाओ, मैं अन्ना को फोन करती हूँ। देखो बच्चों हट जाओ, वरना मेरे ये बाउंसर लोग ना तुम लोगों के ऊपर से कूद के जाएंगे। कूद के तो दिखाइए मंदा राधा पे। सर मुझ पे? पहले आप लेटे हुए तो आप ही कूदेंगे ना मंदा राधा। आप डरिए मत, गायत्री काकी ने अन्ना को फोन कर दिया है, जब तक वो ना आए तब तक लेटे रहिए। हाँ हेलो। हेलो पापा, अभिषेक। कौन? रिटेक। पापा अभिषेक। अरे हाँ हाँ धीरे से बोलना भाई, सुनाई देता है मुझे। बोल बेटा क्या हुआ? पापा वो लोग आ गए हैं। आ गए? वाह, अब हम होंगे मालिक, अपना खेल खेल जाएंगे बेटा, सारी बाजी अपने हाथ में अभिषेक। अब हम अन्ना भाई को दिखा देंगे, तू लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। वो गायत्री, मैं तुम्हें पता हो गया, फोन अ फ्रेंड, कर ली पप्पा से बात, मिल गई तसल्ली, अब इस अद्भुत खेल कर लो दुकान पे कब्जा, उसे आगे बढ़ाए। कितनी गर्मी लग रही है इधर। हाँ ना, गर्मियां तो शुरू हो गई है। अरे गर्मी शुरू नहीं हो गई है, यह लिफ्ट बंद है इसलिए गर्मी लग रही है। हमारे वार्ड में कितना अच्छा लगता है। हाँ, काश ये लिफ्ट वार्ड में होती। अभी बड़बड़ बंद कर और यहाँ से बाहर निकलने का कुछ बंदोबस्त कर। बराबर, लेकिन मैं क्या करूँ अन्ना, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बैठ गया है। भारती, गला बैठ गया का इशारा तूने खड़े होके कैसे किया, जरा समझा मुझे। मैंने इशारा नहीं किया अन्ना, मैं सिर्फ खड़ी हुई हूँ,
ऊपर का पंखा निकालने की कोशिश करती हूँ। अरे पर तू वहां पहुंचेगी कैसे? अन्ना आप घोड़ा बनिए ना। घोड़ा बनना आता है मुझे। घोड़ा टपक 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 टपक। अन्ना ऐसे नहीं, आप ऐसे घोड़ा बनेंगे तो आपके पीठ पे चढ़ के ऐसे आ रहा है, मेरे पीठ पे चढ़ चढ़ के कमर टूट जाएगी मेरी। अभी इतना तो झेलना ही पड़ेगा ना अन्ना, और घोड़ा बनना आपके लिए मुश्किल नहीं है। आवाज तो आप निकाल ही लेते हैं घोड़े की, एक्टिंग ही तो करनी है। वो तो है, वैसे अभी अभी मेरे अंदर एक नई प्रतिभा का जन्म हुआ है। ये जानवर और जीव जंतु के बोलने की आवाज तो मैं निकाल ही सकता हूँ, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अभी मैं उनके चलने की आवाज भी निकाल सकता हूँ। ये देख, शेर वो 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 भाई 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 बतख फड़ 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 फड़। लेकिन अन्ना आप बतख मत बनिए वरना आप कुचले जाएंगे, आप घोड़ा बनिए। घोड़ा घोड़ा नहीं। अच्छा तू धीरे से पैर रखेगी ना मेरी कमर पे, है कि नहीं? बोल। हाँ हाँ ना। ठीक है, क्या क्या करना पड़ता है इस उम्र में उस महेंद्र भाव और अभिषेक की वजह से? ए परमेश्वरा। देखिए हमें अपनी दुकान नहीं बेचनी है, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। कमाल है, आप अपनी दुकान की बिकी हुई बागरवड़ी वापस नहीं लेते और आप चाहते हैं कि मैं दुकान वापस कर दूं? मजाक चल रहा है क्या? देखिए मेरा पार्टनर इसके लिए कभी भी राजी नहीं होगा। तो कौन है आपका पार्टनर? मेरी बात करवाइए ना उनसे। रशीला मम्मी वाह वाह वाह, क्या पासा फेंक मारा जे रसीला मम्मी ने। वाह मान गया, इतने पैसे मिलते ही अन्ना अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और उसके बाद गायत्री तू और अभिषेक दोनों वाह न्यूजीलैंड। गोखले बंधु की शाखा खोलने के सारे अधिकार आप लोग बेच चुके हैं, अब आप लोग इसकी शाखा कहीं नहीं खोल सकते। हाँ तो दीवान साहब मैं क्या कहता हूँ, वो आप मुझे वापस दे दीजिए, मैं मेरी रसीला मम्मी को मना भी लेवाना चाहिए। केशव दादा जरा शांति रखिए ना, ये सब माँ ने किया है कि नहीं ये मैं उनसे पूछ लूंगा। तुम क्या पूछोगे अभिषेक, तुम तो खुद इस षड्यंत्र के भागीदार हो ना। लेकिन हम इसके शिकार नहीं होंगे, आप प्लीज अपने पैसे वापस ले लीजिए। जी नहीं, मैंने एक बार बोल दिया ना कि ये दुकान मैं इनसे खरीद चुका हूँ, अब ये पैसे मैं वापस नहीं लूंगा। ये कौन होते हैं दुकान बेचने वाले? ये दुकान अन्ना के नाम पर है, केशव भैया को ये दुकान को बेचने का कोई हक नहीं है। गायत्री वाला हक तो मेरा ही है। क्या है, गोखले बंधु की पावर ऑफ अटर्नी अन्ना ने स्वतः अपने शुभ हाथों से हस्ताक्षर करके मुझे दी है। और वो आपने उनसे झूठ बोल कर लिए होंगे, वो नहीं देख सकते इस बात का फायदा उठाकर, है ना केशव भैया? ये 400 BC यहाँ नहीं चलेगी। हाँ देखिए मैडम, आप अपनी ये बहस ना साइड में होके कीजिए, मुझे दुकान पे कब्जा करने दीजिए। चलिए हटिए यहाँ से। और बच्चा लोग, आप लोगों को आखिरी बार बोल रहा हूँ, हट जाइए यहाँ से वरना बहुत बुरा होगा। आप बोलते रहिए। मंदा राजा ने अन्ना की लाठी में सरसों के तेल से मालिश करके उसको इतना मजबूत इसीलिए नहीं बनाया कि उज्ज्वला मंदा रुक जाओ। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको जो कहना है करना आप कर लीजिएगा, बस एक बार मेरे अन्ना को आ जाने दीजिए प्लीज। परमेश्वरा टूट गई कमर, लगता है फिर से अस्पताल बिस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। चलो फिर भी एक अच्छा हो गया, भारती तो निकल गई जैसे तैसे करके। शरीर इतना भारी है फिर भी एकदम रबर की गुड़िया की जैसे ऐसे ऐसे करके गई। अप्रतिम अन्ना। हाँ भारती, इस टेबल पर चढ़ के आने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ आसपास कोई चौकीदार है क्या देखती हूँ। ठीक ठीक अच्छा अच्छा सुन, वाह वाह सब बरोबर है ना, कोई खतरा बितरा नहीं है ना बाढ़ा? नहीं नहीं अन्ना, ऊपर सब ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा अंधेरा है
तो हाथ से ऐसे टटोलते हुए थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा। अरे उसका तो कुछ नहीं, उसका बड़ा अनुभव ही हो गया वो। जब थोड़े दिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था ना, तभी वो हमारे मराठी में कहावत है, जो होता है आज के लिए होता है। बराबर है अन्ना, लेकिन ऊपर जो चूहा है, चूहा? हाँ अन्ना, उसकी आंखें छोटी छोटी और लाल लाल है, लेकिन उसके दांत लंबे और नुकीले है। डरिए मत अन्ना, मुझे कैसे भी कर आपको बाहर निकलना ही होगा। कोई हम महेंद्र बाबू को रोक पाएंगे ना, वरना वो अपने प्लान पर अमल करके निकल जाएंगे। हाँ। मैं आती हूँ, कैसे भी कर लिफ्ट खुलवाती हूँ। हाँ? खुलवा खुलवा। बराबर भाई साहब, नीचे जाने का रास्ता किधर है? ये आगे से राइट में। हाँ। चल दल पर, जल्दी चल, देर हो गई तो बाजी हाथ से निकल जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, बस अन्ना साहब को संभालना पड़ेगा। चल चल चल। चूहा मेरे बच्चे, देख मुझे काटना पीटना मत, देख मैं तेरी कितनी अच्छी मिमिक्री भी करता हूँ। चूहा चुच्चू चुच्चू गुगू बोल रहा है, बापरे बड़ा चूहा लगता है, बड़ा चूहा। नहीं नहीं यहाँ पर सब्जियों का ऑक्शन होता है बेन, ऑक्शन बोलियां लगती है बाकायदा। वो खड़ूस सा दिखने वाला आदमी दिख रहे हो, एक नंबर का नालायक है वो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कोई खड़ूस जैसे दिखता है उसका मतलब थोड़ी ना वो। अरे बेन, ये है ना उससे भी 20 किलोमीटर आगे है, इसकी तो पूरी कुंडली निकाल चुकी हूँ मैं। अपने आप को किसान साबित करने के लिए इसने खेती बाड़ी की जमीनें खरीद ली, और उसके ऊपर इसने वो क्या बोलते हैं बेन, रिसोर्ट बना लिया उसने। और चार चार रिसोर्ट बेन, चार चार। हाँ, तीन चार तो मैंने भी सुने। 400 रिसोर्ट कोई बना सकता है क्या उर्मिला वहनी? सॉरी सॉरी, ये ना सिर्फ दिखावे के लिए खेती करता है, और दूसरी तरफ से जो पैसे कमाता है ना उसमें टैक्स की चोरी करता है। ये बोल के ये पैसे तो मैंने खेती करके कमाए हैं, क्योंकि खेती से इनकम पे टैक्स नहीं लगता ना। इसलिए बेन हम लोग ऐसे गरीब महिलाएं, जरूरतमंद औरतें बनकर यहाँ पर आती है, और हमारे बच्चे भूखे हैं करके सारी सब्जियां सस्ते सस्ते में खरीद के ले जाती है और अपने यहाँ पे बेच देते हैं। लेकिन उर्मिला वहिनी, यहाँ तो सब हम जैसे ही दिख रहे हैं, तो इनके बीच आप कैसे बोली जीत पाती है? बता दीजिए कंसना बहन, थोड़ी और रोनी शक्ल बनाइए बहन। अब देखिए मेरा जलवा। ए लक्ष्मी, तू आज मुझ पर कृपा करेगी कि फिर दिवाली पर मैं तेरी पूजा करूंगी तब मुझ पर कृपा करेगी? क्या हुआ? आज तू बोली मत लगाना सुगंधा, ये सब मुझे ले जाने दे सस्ते में, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं। चलो 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 चलो, निपटाओ ये सब और लेके जाओ, मुझे बेकार का झंझट चाहिए ही नहीं। और आज भुट्टे की बोली शुरू होती है 5,000 रुपए से। पांच हजार अठाना एक, 5,000 अठाना दो, 5,000 अठाना तीन, मैं बोली जीत गई, आप थोड़ा मर दो। अच्छा, तो उस दिन वाले वो सारे भुट्टे आप यहाँ से लेके गए थे? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा हम लोग दुबई जाके रेगिस्तान में भुट्टे उगा के लेके आए थे? उर्मिला वहिनी, आपने इन लोगों को बोली लगाने से रोका? उर्मिला वहिनी, हम तो झूठ मूठ के जरूरतमंद बने, बट ये तो बेचारे जरूरतमंद दिख रहे हैं, ये आपको गलत नहीं लगाई? अरे बेन, यहाँ पे जो नीलामी से सब्जी ये लोग ले जाते हैं ना, उससे इनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, इनकी सेठानियों की जरूरतें पूरी होती है। हाँ, इनकी सेठानियां बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती है, इन्हें यहाँ भेज देती है बोली लगाने, और खुद बाहर जाके किटी पार्टी करती है। इन बेचारियों को क्या मिलता है? तमूरा मिलता है ना। चल मैं तुझे दिखाती हूँ, चल आजा। चल सुन, ये लिप भी ना हर दूसरे तीसरे दिन खराब हो जाती है, आओ देखो चेक करो। हाँ जी। अरे अरे अरे,
लाहौर वाला कुआं, लाहौर वाला कुआं, अल हबीब वाला वाला। आप एरा बे शेख साहब, ऐसे पंखा क्या चुरा रहे? अरे मैं चोरी फिर नहीं कर रहा था। अच्छा तो आप एरब भी नहीं है? नहीं मैं नहीं हुआ अरे बीरब, मैं कोकणस्थ ब्राह्मण हूँ, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? देखो एक और शेख आ गया। अरे वो तुमने टीवी में न्यूज तो देखी थी ना, जो शेख का गेटअप लेके चोरियां करते हैं हीरे जवाहरात के शोरूम में। भाई 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 वो न्यूज तो मैंने भी देखी थी। अरे भारती हमें तू हामी क्या भर रही है? हामी तो अभी आप भरोगे शेख साहब, चोरी की, और वो भी पुलिस स्टेशन में। जितने भी हीरे जवाहरात के शोरूम आपने लूटे हैं ना उसकी। अरे बिंडो, अगर मैं हीरे जवाहरात की चोरी करता तो यहाँ ऐसे छोटा सा फालतू पंखा चुराने आता क्या? रुको मैं अभी पुलिस स्टेशन में फोन करता हूँ। अरे क्या पुलिस? भाई 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 अन्ना, अगर पुलिस हमको पकड़ के लेके गई तो हम महेंद्र बाबू को नहीं पकड़ पाएंगे। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया। भागो भागो चलो भागो भाई। अरे छोड़ छोड़। अरे छोड़। अरे छोड़ ना। छोड़ अन्ना को। छोड़ छोड़। भाई 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 अन्ना भारत क्या किया ये?